एक एक क्वेश्चन, बी ग्रुप का क्वेश्चन था, टीटो सेम था, स्कैनिंग किया हुआ था, तो मेरे पैर के तले से जमीन उखड़ गए और मैं ब्लड देकर आ रहा था, रोड पर मैं चिल्लाने लगा, जैसे लगा कि पागल हो गया हूं मैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह शराब पर, शराबबंदी पर भिड़े हुए हैं, उसी तरह या चोरों पर, सेटरबाजों पर, चाहे वो मास्टर हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एमपी हो, चाहे तथाकथित नेता हो, अगर कोई भी इसमें शामिल हो तो उसको अगर कड़ी से कड़ी सजा दिलवा देते हैं तो वैसी परिस्थिति में बच्चों का विश्वास लौटेगा। बच्चों के दर्द को समझने के कारण यही कारण है कि कोई माइका लाल, कोई तथाकथित नेता जो कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी बोल दे, कोई माइका लाल पूरे हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ है जो कह दे कि गुरु रहमान के पास हम गए हैं और पैसा कर वापस लौटे हैं। कोई माइका लाल ये नहीं कह दे कि गुरु रहमान ने किसी भी तरह की कोई गलती किसी छात्रों के साथ की है, तो उस दिन मेरे जिंदगी का आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन होगा। बहुत सारे गरीब बच्चे जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, वो हम लोग से उधार लेकर परीक्षा देने गए, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है और सरकार इसका निराकरण कर सकती है और सरकार को इसका निराकरण करना होगा, नहीं तो हम लोग अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, चाहे गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक क्यों न जाना पड़े। बीपीएससी में अगर क्वेश्चन आउट नहीं हो जी, तो 105 से ज़्यादा कट ऑफ कभी जा ही नहीं सकता है, असंभव है, असंभव अनुभव है, तपा के पढ़ा है मैंने, नेतागिरी करके नहीं पढ़ा है, नेतागिरी का नाटक मैंने नहीं किया है, तपा तपा के पढ़ा है। नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बीपीएससी जो पीटी परीक्षा थी, 67वीं प्रारंभिक परीक्षा, पेपर लीक के बाद वो रद्द तो हो गई है, लेकिन अब सवाल उठता है वो 5 लाख अभ्यर्थियों का। सर, आपके पास भी बहुत सारे स्टूडेंट, सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे, मुझे इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू। सर, आपके पास भी बहुत स्टूडेंट हैं, मतलब अनगिनत है, गिन नहीं सकते हैं, उनका क्या होगा? अब उनका क्या होगा, फिर से तैयारी करेंगे बेचारे, तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनका तो कहीं ना पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं, नौकरी हो ही जाएगी, तय है। ये प्रश्न इनके करियर से ज़्यादा बिहार के करियर पर प्रश्न उठना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी के इतिहास में 73 साल में यह पहली घटना है इस तरह की घटना घटी है। और मैं स्पष्ट रूप से कह दूँ आपको पूजा, कि चाहे सिपाही हो, चाहे चपरासी हो, चाहे आपको बीएसएससी हो, बीएसएससी तो इतना सड़ गया है कि एक परीक्षा 8 साल में पूरा नहीं करा पाया, और उसके बाद चाहे बीपीएसएससी दरोगा वाला हो, बीपीएसएससी जो ना एमआर सीट देता है जो कि स्टूडेंट का होता है और ना ही आपको आंसर सीट जारी करता है। बीपीएससी पर थोड़ा सा उम्मीद लोगों की थी, लेकिन पिछले साल 66वीं में थोड़ा उम्मीद भंग हुआ था, औरंगाबाद में क्वेश्चन आउट हुई थी तो 108 कट ऑफ चला गया, उसी कारण बस लड़के बहुत डर रहे थे, तो डरने के कारण मैंने भी स्पष्ट रूप से कह दिया था कि किसी भी हालत में 105 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, परीक्षा के पहले ही मैंने कहा था। परीक्षा पहले मैंने कहा था कि 105 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, और परीक्षा के पहले मैं कट ऑफ बोलता हूँ बच्चों को कि इतना मार्क आओगे तो श्योर रहोगे। एनीवे कल मैंने जब परीक्षा हुआ तो 11:40 में बहुत सारे लोग आके हमको दिखाना लगे कि क्वेश्चन आउट हुआ है, तो शुरू में विश्वास नहीं हो रहा था कि बीपीएससी भी ऐसा कर सकता है, लेकिन जब 2 बजे परीक्षा खत्म हुआ तो जो क्वेश्चन मिलाए गए तो क्वेश्चन डिटो सेम था जी, एक एक क्वेश्चन बी ग्रुप का क्वेश्चन था, डिटो सेम था, स्कैनिंग किया हुआ था, तो मेरे पैर के तले से जमीन उखड़ गए और मैं ब्लड देकर आ रहा था, रोड पर मैं चिल्लाने लगा, जैसे लगा कि पागल हो गया हूँ मैं। तब तक आपके चैनल के माध्यम से भी, जी बिहार के माध्यम से भी, न्यूज 18 से भी बहुत सारे लोग जुटे, और जुट के उन लोग पूछना था क्या हुआ, तो मैंने बताया, ऐसी ऐसी बात बताई कि ऐसा ऐसा बात हुआ। उसके बाद डिबेट में भी मैं था, और डिबेट के बाद पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री का बहुत दिन बाद 2014 के बाद नींद खुली और उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस परीक्षा को रद्द कर दिया। लेकिन परीक्षा को रद्द कर देने मात्र से पाप धुलने वाला नहीं है, क्योंकि इसका अध्यक्ष सड़ा हुआ है, आर के महाजन जब से आया है तब से ये गलत ही कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे शिक्षा में हो, जहाँ भी थे वो गलत ही कर रहे हैं। इनके पहले शिशिर सिन्हा थे, उनकी तरफ एक भी शिकायत नहीं आया, लेकिन इनके पर बार बार आ रहा है, और बार बार हम लोग चिल्ला रहे थे, बार बार चिल्ला रहे थे, चिल्लाने के बावजूद
किसी भी तरह का कोई भी सुनवाई माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं हो रहा था, लेकिन कल इसलिए हुआ, कोई एक आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कल इसलिए हुआ कि कल कम से कम पटना के 10-20 हजार बच्चों और बच्चियों के मोबाइल पर यह क्वेश्चन आ गया था जी। और क्वेश्चन हाथ से लिखा हुआ होता तो हो सकता कैंसिल नहीं होता। इसमें कोई क्रेडिट लेना चाहे कि हमने करवा दिया हमने करवा दिया तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि 10-10 हजार लोगों के पास स्क्रीनशॉट के साथ 11:40 में आया था, 11:40 में क्वेश्चन आया था, ओरिजिनल क्वेश्चन आया था, इसलिए हल्ला गुल्ला मचना शुरू हुआ। रोड पर भी हल्ला गुल्ला मैंने मचाया, 13 बाइट तो मैंने रोड पर खड़ा होकर दिया है, और उसके बाद जी न्यूज बिहार पर गए, बाद में क्वेश्चन परीक्षा रद्द हो गई। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो आर्थिक अपराध इकाई को जो सौंपा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जिस जिजीविका से उठे हैं, जागे हैं बहुत लंबी समय के बाद, अगर पूरे कड़ाई और तन्मयता के साथ इसमें भिड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से इंसाफ मिलने की संभावना है। मैं सीबीआई की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कोई हमारे मौसा है या कोई हमारे चाचा है, सीबीआई की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि सीबीआई एक लंबी प्रक्रिया है। नरूना कांड 13 साल से पड़ा हुआ है, बेबी कांड, बेबी हत्याकांड आपको 25-30 साल से अभी तक पड़ा हुआ है, सीबीआई भी किसी ना किसी रूप में तुरंत जजमेंट नहीं देती है। और वैसी परिस्थिति में एक परीक्षा कराने के लिए लड़के 4-5 साल इंतजार करें, यह बिल्कुल दुर्भाग्य की बात होगी। अगर माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह शराब पर, शराबबंदी पर भिड़े हुए हैं, उसी तरह यह चोरों पर, सेटरबाजों पर, चाहे वो मास्टर हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे एमपी हो, चाहे तथाकथित नेता हो, अगर कोई भी इसमें शामिल हो तो उसको अगर कड़ी से कड़ी सजा दिलवा देते हैं तो वैसी परिस्थिति में बच्चों का विश्वास लौटेगा। अभी बच्चों का विश्वास पूरी तरह से डगमगाया हुआ है, बिहार के सिस्टम पर उसको विश्वास नहीं है, इसलिए आर्थिक अपराध इकाई पर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि बहुत मुश्किल से बिहार की छवि सुधर रही थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बिहार चौपट हो गया है। आप जागे हैं देर से ही सही, लेकिन अब अपना कड़ा रुख दिखाइए, और जिस तरह शराबबंदी पर आपने किया है उसी तरह इस तरह के सेटरबाजों के विरुद्ध भी कार्रवाई कीजिए, निश्चित रूप से सुधार की संभावना है। तो आपने गुरु रहमान को सुना, ये अक्सर इस चीज़ के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, चाहे वो बीएससी का मुद्दा हो चाहे बीपीएससी का मुद्दा हो, आप हमेशा छात्रों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसलिए कि छात्र हमारी जान है, छात्र हमारे रूम में बसते हैं, हमको नेता नहीं बनना है, हमको विधायक नहीं बनना है, हमको मुखिया नहीं बनना है, हम किसी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं, मैं गुरु हूँ, मुझे गुरु बनना है, मुझे गुरु की उपाधि एपीजे अब्दुल कलाम ने दी है, तो मुझे किसी तरह का छुछुरापन वाला काम नहीं करना है। मैं किसी भी परिस्थिति में मुखिया तक बनने का सपना नहीं देखता, तो नेता बनने के बाद ही छोड़ दीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ाते पढ़ाते ही मर जाऊँ मेरी इच्छा है, और मेरे साथ मेरे अर्थी में तो मेरा, चूंकि मैं ना दफन होऊंगा ना जलूंगा, क्योंकि मैंने संपूर्ण शरीर दान कर दिया है, मेरे बच्चे ही मेरे साथ रहें, यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मैंने गरीबी का वो पल देखा है। एक अमीर बाप के होने के बावजूद भी आप जानिए कुछ पर्सनल कारण है, इंटर रिलीजन मैरिज की, जो देखा है तो बच्चों के दर्द को मैं समझता हूँ, तो बच्चों के दर्द को समझने का कारण यही कारण है कि कोई माई का लाल, कोई तथाकथित नेता जो कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी बोल दे उचक्के, क्योंकि जो कम जानते, जो कम पानी रहता है तो छलकता ज़्यादा है, कुछ भी बोल दे, लेकिन कोई माई का लाल पूरे हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ है जो कह दे कि गुरु रहमान के पास हम गए हैं और पैसा कर वापस लौटे हैं। अब कोई माई का लाल ये नहीं कह दे कि गुरु रहमान ने किसी भी तरह की कोई गलती किसी छात्रों के साथ की है, तो उस दिन मेरे जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि बच्चे किसी को नेता बनाने के चक्कर में, किसी के बहकावे के चक्कर में हिंसात्मक कार्रवाई न करेंगे प्लीज, क्योंकि हिंसा करिएगा दबा दिया जाएगा, अगर अहिंसा कीजिएगा तो मैं गुरु रहमान अपने पूरे अदम्यादि गुरुकुल की टीम के साथ गांधी मैदान से लेकर प्रगति मैदान तक जाने, माननीय प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री तक से मिलने का दम भरता हूँ, अब मिलवा दूंगा, बात करा दूंगा, जैसे कि एनटीपीसी में मैंने करा दूंगा, और आपके साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री को
जैसे बहुत सारे नेता लोग ऐसे भी बन रहे हैं जो कि कुछ पार्टी को छोड़ के केवल कुछ पार्टी भिड़े रहते हैं। भाड़ में जाए कोई पार्टी चला, राजद, जदयू, भाजपा, कांग्रेस, ओल्ड ढोल, आप ताप जाप, हमसे कोई किसी पार्टी से मतलब नहीं है। लेकिन सच बोलिए, अंदर की बात बोलिए, जो हकीकत वो बोलिए। आप ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कि पहले तो क्वेश्चन लेके चला जाता था सब घर पर, कॉपी घर पर लिखाता था, वो भी बोलिए। लेकिन अब जितने भी विपक्ष हैं वो ट्विटर ट्विटर खेल रहे हैं, और पक्ष वाले हैं सोए हुए थे कुंभकर्ण की निद्रा में, तो कुंभकर्ण की निद्रा से नींद टूटी है सरकार की, तो सरकार से थोड़ी सी अपेक्षा करनी चाहिए उस राज्य के निवासी होने के नाते। क्योंकि अगर सरकार, हमारा मुखिया कह रहा है कि हम इंसाफ दिलाएंगे, तो मुखिया से यही अनुरोध है कि छात्रों के भविष्य को बनाने के लिए आप छात्रों के हित में फैसला कीजिए, और जो भी चोर बेईमान, चाहे छोटा मछली हो, बड़ा मछली हो, कोई भी हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, र्यूमर फैलाने वाले को कड़ा से कड़ा दंड दीजिए, और साथ ही साथ जिन गरीब बच्चों का परीक्षा में जो खर्चा हुआ है उनको पैसा, क्योंकि सरकार का भी 10 करोड़ खर्चा हुआ है इसमें बीपीएससी में, तो अगला बार सेंटर कहीं जहाँ भी देना हो, तो ट्रेन हो या बस हो, जिसके पास बीपीएससी का एडमिट कार्ड हो उसका आप कोई टिकट नहीं रहेगा, ये आप कीजिए, क्योंकि ये आपका फर्ज बनता है। क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चे जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, वो हम लोग से उधार लेकर परीक्षा देने गए, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, और सरकार इसका निराकरण कर सकती है, और सरकार को इसका निराकरण करना होगा, नहीं तो हम लोग अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, चाहे गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक क्यों न जाना पड़े। तो आप ये गुरु का दर्द सुन रहे थे, वो गुरु जो दिन रात पसीना बहाकर अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचाना चाहता है। आज वो गुरु लाचार, बेबस बिहार सरकार और बीपीएससी के सामने हो गया है, क्योंकि गुरु ने तो अपना कर्तव्य पालन कर दिया, गुरु ने तो सब कुछ कर दिया, लेकिन जब पेपर ही लीक हो जाए तो फिर गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। तो आज उसी गुरु का दर्द बयां हम कर रहे हैं, क्योंकि आपके चेहरे पे जो गुस्सा है, जो नाराजगी है, वो आपके मेहनत का है, क्योंकि आपने खून पसीना एक करके अपने बच्चों को। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बाबू रे 105 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, इसलिए अपने आप को झोंक दो, कोशिश करना 105 प्लस मारने का, 105 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। तो लेकिन ये मुझे कहाँ पता था कि 150 क्वेश्चन आ जाएगा, तो मैं बताता कि 140 कट ऑफ जाएगा, तो 105 मैंने इसलिए बोला था कि बीपीएससी में अगर क्वेश्चन आउट नहीं हो जी, तो 105 से ज़्यादा कट ऑफ कभी जा ही नहीं सकता है, असंभव है, असंभव अनुभव है, तपा के पढ़ा है मैंने, नेतागिरी करके नहीं पढ़ा है, नेतागिरी का नाटक मैंने नहीं किया है, तपा तपा के पढ़ा है, विद्या की देवी की साधना बदन को फूक कर करनी पड़ती वो मैंने किया है, और अनुभव है। यूपीएससी का परीक्षा होने वाला है, यूपीएससी का परीक्षा होने वाला है, उसका भी मैं कट ऑफ बता दूंगा, एकदम सेम टू सेम 2-4 नंबर का इधर उधर रहेगा, लड़ेगा, क्योंकि अनुभव है मेरे पास, मैंने जिंदगी के बहुत सारे एग्जाम को पास फेल किया है, तो उस अनुभव के आधार पर मैं बताता हूँ। इसलिए मैंने इसमें बताया था कि जो 105, और कलकत्ता भी मैंने जो जारी किया था तो 103 से 106, लेकिन जब बाद में पता चला कि क्वेश्चन ही आउट हो गया है तो फिर कटवा कोई मतलब ही नहीं है, और ये तो बिल्कुल बेतुका बात है। तो आप गुरु रहमान को सुन रहे थे, आप लेकिन इस बारे में क्या राय रखते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, क्योंकि हम अक्सर गुरु रहमान से जुड़े रहते हैं और वो आपकी हर परेशानियों का समाधान करते हैं। तो आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो हमें कमेंट कर जरूर लिखिएगा। आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।